नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। शेखर सुमन ने बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स के लिए अपने घर में एक सक्सेस पार्टी रखी थी, जहां बिग बॉस के सभी प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। साथ ही इस पार्टी में शेखर सुमन के कुछ सेलिब्रिटी दोस्त भी शामिल हुए थे। अब पार्टी में इतने सारे सितारे होंगे तो वीडियोज और फोटोज लेना भी बनता है और आम बात है। ऐसा ही पार्टी के दौरान सौंदर्य शर्मा भी सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए कुछ वीडियोस शूट कर रही थी, लेकिन सौंदर्य के पोस्ट किए हुए एक वीडियो की वजह से उनके सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार होने लगी। दरअसल पार्टी का वीडियो बनाते हुए सौंदर्य ने अचानक से अपना कैमरा शालीन की तरफ घुमा दिया। तभी शालीन अचानक से बोल पड़े कि चलो आज इस वीडियो को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, और शालीन ने सौंदर्य से पूछा कि क्या वो और साजिद खान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर सौंदर्य और साजिद दोनों ने शालीन को चुप कराते हुए तुरंत वीडियो बंद कर दिया। आपको बता दें कि इंटरनेट पर सौंदर्य और 52 साल के साजिद की डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं, जिसके चलते दोनों कंटेस्टेंट्स काफी सुर्खियों में आ गए हैं। एक फैन ने कहा कि शालीन सब कुछ एक तरफ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, सौंदर्य इससे बेहतर की हकदार है। जबकि किसी और ने लिखा कि कभी कभी मजाक मजाक में काफी लोग सच बोल देते हैं। कुछ लोगों ने यह भी नोटिस किया कि वीडियो में सौंदर्य ने साजिद को बेब कहकर पुकारा। उसने साजिद को बेब कहा और इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, अरे सौंदर्य ने साजिद को बेब्स के नाम से पुकारा, और फिर कहा बेब्स ऊपर देखो, इसके कंधे पर हाथ रखकर, सिर्फ मैंने सुना क्या। हालांकि सौंदर्य ने भी अफवाहों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि वो इन सब चीजों को देखकर परेशान है, उनका नाम बिना किसी बात के बस गलत तरीकों से फैलाया जा रहा है। आप भी इस वीडियो पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही न्यूज नेशन और NN बॉलीवुड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर।